वालेकुम जी। टुडेज लैब इज अबाउट, ये आपकी लैब नंबर 4 और 5 होंगी, विच आर ऑन कॉमन ड्रेन एंड कॉमन गेट JFETs, एंड वी विल बी परफॉर्मिंग देम इन मल्टी सिम। बट बिफोर गोइंग इनटू मल्टी सिम, लेट्स जस्ट डिस्कस फ्यूअर डिटेल्स ऑफ योर कॉमन ड्रेन एंड कॉमन गेट JFETs। सो कॉमन ड्रेन FET जो है, बेसिकली इट इज़ कॉल्ड अ सोर्स फॉलोअर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इट्स अ बफर एम्पलीफायर, इट मीन्स के आपकी जो भी इनपुट पे वोल्टेज होगी सेम वुड बी द वोल्टेज ऑन योर आउटपुट, ठीक है। एंड फिजिकली मल्टी सिम में आप इस बिहेवियर को आज जज भी कर लेंगे, राइट? अच्छा, FETs का व्हेन इट्स अ कॉमन ड्रेन, इट हैज़ हाई इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। What happens is कि आपका जो करंट होगा, ठीक है, it would amplify your current, so it is kind of a current amplifier and voltage buffer, ठीक है। So कहीं पे भी जहाँ पे आपको करंट एम्पलीफिकेशन चाहिए हो, सो इट कैन गिव यू हाई करंट गेन, बट येस डेफिनेटली इसका वोल्टेज जो है, वट एवर इज द वोल्टेज एट द इनपुट, माइनर चेंजेस के साथ सेम वोल्टेज वुड बी ऑन योर आउटपुट। सो बेसिकली वट अ बफर इज, बफर इज, अगर आपने रैम्स में सुना हो, बफर कंटेन डेटा दैट इज स्टोर्ड फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। कंप्यूटर रैम्स में आप यूज करते हैं इसको, बफर्स मल्टीपल टाइम यू वुड हैव लर्न द कॉन्सेप्ट और द वर्ड इट्सेल्फ बफर, ठीक है। सो कॉमन ड्रेन बेसिकली विच इज़ अ सोर्स फॉलोअर, बायसिंग टेक्निक, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली कहा था, फॉर कॉमन सोर्स केस में आपकी जो बायसिंग टेक्निक्स होती हैं, दीज आर द सेम थ्री टेक्निक्स, विच इज़ अ गेट गेट बायस और सेल्फ बायसिंग टेक्निक, और आप या फिर आप जो है वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं। ऑल ऑफ दीज थ्री टेक्निक्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर द कॉन्सेप्ट कि आपकी गेट इज मोर नेगेटिव देन योर सोर्स, एंड इनमें से कोई भी आप टेक्निक यूज करेंगे, यू आर एक्चुअली मेकिंग योर गेट मोर नेगेटिव देन योर सोर्स। एंड जब आपका गेट मोर नेगेटिव होगा, योर JFET जो है इट्स फंक्शनल, ठीक है। दिस इज द मेन की रिक्वायरमेंट ऑफ योर JFETs, एज आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लैब। इन दैट सिनेरियो क्या होगा, योर JFET विल लाई इन दैट स्पेसिफिक रीजन ऑफ जो आपका एम्पलीफिकेशन रीजन है, ठीक है। व्हेन इट्स इन एम्पलीफिकेशन, इट मीन्स ऑल यू हैव टू डू इज दैट योर DC सेटिंग्स आर कम्प्लीट, ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू विल सुपर इम्पोज अ सिग्नल, दैट सिग्नल विल बी आइदर एम्पलीफाइड या इट्स इफ इट्स पासिंग थ्रू अ बफर, ठीक है, तो आपके करंट में एम्पलीफिकेशन होगी। नाउ ऑसिलोस्कोप डजंट गिव यू दी डिटेल्स अबाउट करंट एम्पलीफिकेशन, ठीक है। यू कैन सी द वे फॉर्म ऑफ वोल्टेज, लेकिन करंट एम्पलीफिकेशन वे फॉर्म आप नहीं देख सकते। सो वी विल यूज मल्टीमीटर्स टू जस्ट गिव यू एन आइडिया कि वट्स द करंट ऑन द इनपुट साइड एंड वट्स द करंट ऑन द आउटपुट साइड, राइट। सो इट्स सिमिलर टू अ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, राइट, एज यू हैव heard previously, and yes, if you are using a P-channel FET, all you would be doing is that जो आपकी supply voltage है, you will reverse its polarity. If you are giving 10 volts, then in this specific scenario, you will be giving minus 10 volts. So this is your circuit so far. ये आप यूज करेंगे, ठीक है। This specific transistor, again coupling के लिए you are using 2 sets of capacitors. Voltage you will be giving 10 volts, ठीक है, then there is a gate resistor and a source resistor accordingly. अच्छा, because we are considering the concept of shorting the drain, ठीक है, so no signal is given on your drain. Signal आपका दिया जाएगा on your gate and your output is taken from your source. And they do not add a resistor यहाँ पे, ठीक है। And self biasing का concept, as I have discussed previously, ठीक है, again VG is equal to IG into RG, again ID current approximately, if it's 1, ठीक है, so 1 milliamperes into R of S is in this case 10 amperes, so ये total बन के आपका तकरीबन 10 volts बनता है, ठीक है। And again if you do VG minus VS, then it is minus 10 volts which is occurring on your gate, it means आपका gate जो है it is more negative, VGS जो आपकी voltage है it is negative, it means आपका gate is fine enough and your जो FET है it's in on state, ठीक है, which is your basic requirement. Okay जी, AC signal मॉडल जो आपका है, इसके लिए जब आप ड्रॉ करते हैं,
सो यू रिप्लेस योर कैपेसिटर्स विद शॉर्ट एंड अकॉर्डिंगली ये जो आपका ट्रांजिस्टर है वो करंट सोर्स एंड यहाँ पे एक आपका आर ऑफ डी आता है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका इनपुट साइड है, योर आउटपुट इज टेकन अक्रॉस आर ऑफ एस, सो योर वी आउटपुट इज आई डी इन टू आर ऑफ एस। अच्छा, यहाँ पे आर ऑफ एस इज बेसिकली अ पैरेलल ऑफ आर ऑफ एस इन टू आर ऑफ एल, राइट, यू कैन सी इन दिस फिगर। अच्छा जी, सो इफ वी आउटपुट इज विच इज बेसिकली टेकन, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज टेकन अक्रॉस योर आर ऑफ एस, सो इट्स यहाँ पे पैरेलल में ही आपका आर ऑफ एल आता है, सो इट्स आई ऑफ डी करंट फ्लोइंग थ्रू इट इन टू आर ऑफ एस। एंड इनपुट साइड पे इफ यू कैन वॉच क्लोजली, देर इज अ वी जी एस प्लस, यू कैन सी दिस, देर इज अ वी जी एस प्लस आई डी इन टू आर ऑफ एस, राइट, सो इनपुट इज वी जी एस प्लस आई डी इन टू आर ऑफ एस। सो जब आप गेन कैलकुलेट करते हैं, सो इट इज आई, आप अपर वैल्यू डिवाइड बाय लोअर वैल्यू करेंगे, सो ये आपकी वैल्यू आती है, बट यू नो दैट जी एम इज इक्वल टू आई डी डिवाइड बाई वी वी जी एस, जिससे आप आई डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फाइनली वेन यू पुट इट इन टू दिस इक्वेशन, एवरी थिंग विल बी कैंसल्ड आउट अदर देन दिस टर्म, ठीक है। इसमें भी वन प्लस जी एम इन टू आर ऑफ एस, इससे आपका बेसिकली वन प्लस दिस टर्म इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जी एम इंटू आर एफ एस, सो रफली आप कह सकते हैं योर गेन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू वन, विच इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन ड्रेन, राइट। इसमें आपकी करंट एम्पलीफिकेशन होती है जबकि आपकी वोल्टेज एम्पलीफिकेशन नहीं होती है। आई वोंट बी गोइंग इन टू द कैलकुलेशन ऑफ रजिस्टर्स, इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू इट, यू कैन गो थ्रू इन योर थ्योरी क्लास और थ्योरी लैब, आप लोगों ने डेफिनेटली वहाँ पे स्टडी किया होगा। जो आपका कॉमन ड्रेन होता है, देर इज़ नो फेस शिफ्टिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट साइड, जो भी यहाँ पे आपका सिग्नल का फेज होगा सेम वुड बी ऑन योर आउटपुट साइड। एंड येस, जब आप इसको कंसिडर करते हैं फॉर योर इम्पिडेंसेज, तो यू वुड हैव एन आइडिया कि आप किस तरह आप अपनी फिगर को ड्रॉ करते हैं, राइट। सो इन अगेन, ये वही वोल्टेज गेन प्रोसीजर है, ठीक है, इज वन फॉर योर कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। सो यूज ऑफ वोल्टेज बफर, वेयर यू कैन यूज इट, राइट। सो जब भी सपोज यू आर कनेक्टिंग अ मोटर विद अ माइक्रो कंट्रोलर, बट माइक्रो कंट्रोलर टेक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, राइट, मोटर को हायर अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, सो वट यू बेसिकली डू, यू एड अ वोल्टेज बफर, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आ रहा, ऑल यू आर डूइंग के माइक्रो कंट्रोलर साइड पे, माइक्रो कंट्रोलर गिव्स वी आई टू द ट्रांजिस्टर विच हैज अ हाई इनपुट इम्पिडेंस, राइट, सो करंट फ्लो वुड बी लेस, ठीक है। सो ये बफर बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ से आपका वोल्टेज सेम वायर अपीयर हो रही है, मोटर को आपके हाई करंट जा रहा है, सो अकॉर्डिंगली मोटर विल रन विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज बफर, एंड बोथ ऑफ द डिवाइसेस वोंट बी अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ करंट फ्लो, राइट, बोथ वुड बी सेफ इन दिस सिनेरियो। सो यू कैन पुट योर माइक्रो कंट्रोलर्स, सॉरी योर बफर्स इन सच सिनेरियो, ठीक है। अगर आपको वोल्टेज बफरिंग चाहिए, मींस आपको वोल्टेज सेम चाहिए, बट यू नीड अ वेरिएशन ऑफ करंट, वन डिवाइस रिक्वायर्स अ हायर current and the other requires a lower current, you can simply add a voltage buffer in that scenario. Achha ji, common gate, we would also be doing lab number 5, which is on common gate. Achha, common gate has a lesser input impedance, it's kind of reverse of your common drain or common source. Common drain and source mein kya hota tha, higher input impedance, lower output impedance, theek hai. So jo bhi voltage aapke input pe appear ho rahi hai, theek hai, if it's small, so higher input impedance से maximum quantity of voltage appears on your input, and outer side पे lower impedance means maximum voltage is delivered to your output, ठीक है। so arrangement is in this scenario, जबकि common drain में क्या होता है, it's opposite, right? so it is common gate is basically a good fine voltage amplifier, but yes it is a current buffer, ठीक है। अच्छा जी, Current buffer is the concept of having low input impedance of a circuit and having high input impedance. Achha, the circuit you will be using will have these such values, ठीक है, 15 volts आपके resistance की ये value होगी, capacitance की accordingly, and gate इसमें आपने क्या किया हुआ है, short किया हुआ है। अच्छा, when you short your gate,
तो ये जो आपका ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा एसी मॉडल ऑफ योर जो कॉमन गेट है. व्हेन यू शॉर्ट योर गेट एक्चुअली तो आपका होता क्या है, अगेन इट्स रेशियो ऑफ योर आउटपुट बाय इनपुट वेयर योर आउटपुट इज वी ऑफ डी, राइट. योर आउटपुट इज टेकन अक्रॉस दीज टू सेट ऑफ रेजिस्टर, सही है. सो इट मीन्स दैट इट इज आई डी इन टू आर ऑफ दी देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट. आर डी आई डी इन टू आर ऑफ डी वेयर आर डी इज नथिंग बट आर डी पैरेलल विद आर एल. अच्छा, आई डी को फर्दर आप जी एम इंटू वी जी एस लिख सकते हैं. सो अपर साइड आपकी कुछ इस तरह सिंप्लीफाई हो गई है. आर डी इज पैरेलल ऑफ दिस कैपिटल आर डी एंड आर एल डिवाइडेड बाई वी जी एस, राइट. अगर आप इस सिनेरियो को गौर से देखें तो इट्स अ वोल्टेज इनपुट जहां पे आप दे रहे हैं, जिस जगह पे आप इनपुट अप्लाई करें, इट्स अ सोर्स टू ग्राउंड, सो गेट इज ग्राउंडेड, सो यस यू कैन से इट्स अ वीजीएस बट नेगेटिव वीजीएस, राइट. सो आपका गेन जो है इसकी कैंसिलेशन से हो जाएगा जी एम इंटू आर डी. अच्छा जी, इसमें जिस तरह एज आई सेड टू यू प्रीवियसली गेन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है. इट मीन्स व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट इन योर सॉफ्टवेयर मल्टी सिम गेन की वैल्यू देर वुड बी अ वोल्टेज गेन बट देर वुड बी नो करंट गेन. उसको किस तरह जज किया जा सकता है, वी विल ट्राई टू जज इट विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर्स, राइट. सो अगेन व्हेन यू आर यूजिंग अ करंट बफर, ठीक है, सपोज यू हैव अ माइक्रो कंट्रोलर एंड यू हैव अ माइक्रोफोन माइक्रोफोन एंड बीच में आपने करंट बफर यूज किया है. इट मीन्स वी आई, अच्छा, इनपुट इम्पिडेंस इज लो, ठीक है, सो माइक्रो कंट्रोलर इम्पिडेंस इज लो एंड वी हैव टू डिलीवर मैक्सिमम वोल्टेज टू योर वोल्ट टू योर लोड, राइट. ठीक है, अच्छा, इम्पिडेंस लो है लेकिन जो भी आपकी वोल्टेज है वो मैक्सिमम डिलीवर हो रही है. माइक्रोफोन इटसेल्फ जो है ना, आप करंट बफर यूज करते हैं व्हेन सिग्नल हैज वेरी लो वोल्टेज इनपुट, ठीक है, एंड वी आर बेसिकली मेंटेनिंग द सेम करंट लेवल्स, ठीक है. आपके करंट सेम होंगे इन दोनों डिवाइसेस में से, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है बट वोल्टेज डिलीवर टू योर माइक्रोफोन वुड बी हाई, इट रिक्वायर्स अ हायर माइक्रो वोल्टेज लेवल, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली व्हेन दिस सिनेरियो इज रिक्वायर्ड, वहां पे आप करंट बफर यूज करते हैं. सो लोड इम्पिडेंस इज हाई हेयर, इट्स अ हाई लोड जो आपका जो लोड है उसकी इम्पिडेंस हाई है. सो अकॉर्डिंगली वी प्लेस्ड अ करंट बफर इन दिस सिनेरियो ताकि यहाँ पे आपकी लो इनपुट साइड लोड वाज हैविंग लो इम्पिडेंस, ठीक है, एंड आउटपुट जो था उसकी हाई इम्पिडेंस थी. सो अकॉर्डिंगली वी चूज अ जो एम्पलीफायर है, वी चूज अकॉर्डिंगली एंड वी प्लेस्ड अ एम्पलीफायर जिसकी इनपुट पे लो इम्पिडेंस है एंड आउटपुट की हाई इम्पिडेंस है. सो अकॉर्डिंगली दिस एम्पलीफाइड द वोल्टेज ऑन द आउटपुट बट डेफिनेटली जो आइडियल एम्पलीफायर्स कंसिडर होते हैं ना, आइडियल मीन्स विच आर मोस्ट कॉमनली यूज एम्पलीफायर, दोज आर द वन विद हायर इनपुट इम्पिडेंस एंड लोअर आउटपुट इम्पिडेंस. बट येस, इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो समटाइम्स, ठीक है, सिनेरियोज की चेंजेस के साथ वी कैन चेंज द करंट बफर एंड वोल्टेज बफर व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ देम, राइट. बट मोस्ट कॉमनली एम्पलीफायर्स आर द वन विद हायर इनपुट इनपुट इम्पिडेंस एंड लोअर आउटपुट इम्पिडेंस. उसमें ये होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज आपकी अपेयर होती है अक्रॉस योर इनपुट एंड इट इज इफ इट्स डिवाइस जिसकी ऑलरेडी लोअर वैल्यूज हैं सो वो मैक्सिमम डिलीवर होकर आउटपुट पे मैक्सिमम एम्पलीफाई हो जाता है, राइट. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एम्पलीफिकेशंस, राइट, सो कैस्केडेड सेटिंग्स आर यूज, ठीक है. हो सकता है कि दे प्लेस इनिशियल करंट बफर देन वोल्टेज एम्पलीफायर देन अगेन टू स्टेप वोल्टेज एम्पलीफायर, सो देर इज अ कैस्केड स्टेपिंग, राइट है. और उस कैस्केड स्टेपिंग में ये होता है कि फर्स्ट एम्पलीफिकेशन देन यू गिव अ सेकेंड टाइम एम्पलीफिकेशन अकॉर्डिंग दी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एंड जो डीसी लेवल्स होते हैं उनको ड्रॉप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर्स, बीच में आप कैपेसिटर लगाते हैं. सो प्रीवियस स्टेज के कैपेसिटर डू नॉट अफेक्ट द नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर्स, राइट, एंड अकॉर्डिंगली योर एंटायर सर्किट्स वर्क. इस कैस्केड एम्पलीफिकेशन में वन जो आपका मेन पॉइंट है, यू शुडन बी क्रॉसिंग योर जो आपकी डीसी लोड लाइन की मैक्सिमम पॉइंट्स है. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग फॉर क्लास ए एम्पलीफिकेशन एंड आपने मिड पॉइंट क्यूसेंट पॉइंट रखा है, सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट कि आपका जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं उससे
larger aapka signal na jaye. For example, it's lying between a current of one, suppose 5 milliampere and a voltage of 12 volts. So in that scenario, quiescent point aapka 5 volts DC pe hai. So मैक्सिमम आप उसमें एम्पलीफिकेशन यहाँ तक दे सकते हैं, सपोज इट्स 1 वोल्ट मैक्सिमम, ठीक है. सो क्लिपिंग ना आए जहाँ तक आपकी, वहाँ तक आप कंसिडर करें. सो दिस इज ऑल फॉर योर लैब. सो लेट्स मूव टू योर थ्योरी, आपकी यहाँ पे एंड होती, राइट. सो लेट्स मूव टू योर लैब.